नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ दो स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में, और जाहिर सी बात है कि इन कंपनी से फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल बढ़िया हैं तभी हम अपने वीडियो में कवर कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक हाई CAGR अच्छे रेट से इस कंपनी ने रिटर्न भी दिया है लॉन्ग रन में इन्वेस्टर्स को, जिसकी आगे हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी हिट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बनाए रखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी जिसका नाम है यूफ्लेक्स लिमिटेड, ये कंपनी एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोडक्ट की, और अपने कस्टमर को कंप्लीट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है अक्रॉस द ग्लोब। जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ से इनका मैक्सिमम रिवेन्यू 96% तक का पोर्शन रिवेन्यू का इसी सेगमेंट से आता है। एट प्रेजेंट कंपनी का मार्केट कैप देखें तो मात्र 5500 करोड़ का मार्केट कैप है। इनकी करंट प्राइस आप देख सकते हैं तकरीबन 770 रुपीज़ के अराउंड देखने मिलती है। 52 वीक हाई 811 रुपीज़ का है। स्टॉक का पी देखें तो 4.51 का है। कंपनी की आप बुक वैल्यू देख सकते हैं 927 की इनकी बुक वैल्यू नज़र आती है, यानी कि एट प्रेजेंट ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से भी काफ़ी सस्ते दाम पर मिल रहा है। बढ़िया ROC ROE देख सकते हैं, 16.5% का ROCE है एंड 18% का ROE। इस कंपनी पर डेब्ट की बात करें तो देख सकते हैं तकरीबन 5000 करोड़ के अराउंड डेब्ट है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बिलो 1 है तो ये मैनेजेबल कह सकते हैं। वहीं इनके पास रिजर्व भी आप देख सकते हैं तो मोर देन 6000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व कंपनी के पास है। साथ ही आप इनकी सेल्स ग्रोथ देखिएगा, 49% की सेल्स ग्रोथ नज़र आती है। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है 36% की। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप इनका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ से कंपनी में पिछले 5 सालों का अगर डेटा ट्रैक करें तो कंपनी की रिवेन्यू देख सकते हैं 6800 करोड़ तक की कंपनी की रिवेन्यू जनरेट होती है, और जो पिछले 5 सालों में बढ़कर 13000 तक पहुँच चुकी है, 13000 करोड़ तक। वहीं इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं 881 करोड़ की थी 2018 में, जो अभी फ़िलहाल 2022 तक के फाइनेंशियल ईयर में 2100 करोड़ से ज़्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया। वहीं इनकी बात करें नेट प्रॉफिट की तो 312 करोड़ की नेट प्रॉफिट इन 5 सालों में 1099 करोड़ तक जा पहुँची है। तो बढ़िया इनके फाइनेंशियल्स में ग्रोथ है लगातार हर साल। जी हाँ फ्रेंड्स, वहीं बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की तो वो भी आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में 11% का था, पिछले 5 सालों में 15%, पिछले 3 सालों में 18% का, एंड फिलहाल ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 49% की सेल्स ग्रोथ नज़र आती है। बात करें इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार रहा है, पिछले 10 सालों में 16% का, पिछले 5 सालों में 27%, पिछले 3 सालों में बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिलती है 53% की एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 36% का। कंपनी का ROE भी 11 से 20% के अराउंड ही रहा है इन लॉन्ग रन में भी, और 5 सालों में 3 सालों में भी देख सकते हैं आप। वहीं स्टॉक प्राइस के CAGR की बात की जाए तो पिछले 3 सालों में जो ग्रोथ रेट कंपनी ने दी है, यानी कि जिस CAGR से कंपनी का रिटर्न रहा है, वो मोर देन 50% का देखने मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं लास्ट 3 ईयर्स में 51% के CAGR से रिटर्न बनाकर दिया है, लास्ट 5 ईयर्स में 12% एंड लास्ट 10 ईयर्स में 23% का, और फिलहाल 1 साल में भी स्टॉक 57% के रिटर्न पर देखने मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में फिलहाल पिछले 3 सालों में बढ़िया ग्रोथ देखने मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसका CAGR मोर देन 50% नज़र आता है। वहीं आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी आप देख सकते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है 44.58% की है लेटेस्ट क्वार्टर में। FIs ने 7.09% से होल्डिंग रखी है। DIs की होल्डिंग फिलहाल 0.18% की है। तो फिलहाल FIs इस स्टॉक में ठीक ठाक एंट्री करते जा रहे हैं, अपने स्टेक को बढ़ाते भी जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लगातार ही इनके फाइनेंशियल सुधरते देखने मिलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अच्छे बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, और इनके अगर क्लाइंट की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में कई सारे दिग्गज क्लाइंट शामिल हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर देखें तो की क्लाइंट में इनके कोका कोला जैसी कंपनी है, नेस्ले, मॉन्लेज इंटरनेशनल,
अमूल, परफेक्टी, ग्लैक्सो स्मिथ, पेप्सिको, लॉरियल, आईटीसी, ब्रिटानिया, पीएनजी, इस तरह की कई दिग्गज कंपनियां इनके लिस्ट में शामिल हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बढ़िया क्लाइंट बेस है कंपनी का, तो आप यूफ्लेक्स इस कंपनी पर आप खुद की भी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जी हाँ फ्रेंड्स, ताकि आपको इस कंपनी की डीप एंड बेटर एनालिसिस कर सके आप कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल्स को भी। कंपनी, अब बात करें नेक्स्ट कंपनी की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि क्वालिटी स्टॉक्स की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का आप रिटर्न पहले देखिएगा, जिसने पिछले 5 सालों में मोर देन 850% से ज़्यादा का रिटर्न इस कंपनी ने बनाकर दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में 373% का रिटर्न इनका रहा है। लास्ट 1 ईयर में फिलहाल 16% से पॉजिटिव रिटर्न पर यह कंपनी ट्रेड कर रही है। दोस्तों, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप फिलहाल 5,400 करोड़ के अराउंड देखने मिलती है। इस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, इस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जो एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, विच इज़ एंगेज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस FMCG प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेजेस एटसेट्रा, और खुद की भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग है कुछ सेगमेंट में, लाइक लेदर शूज एंड एक्सेसरीज बनाती है कंपनी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस कंपनी की हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, जो फिलहाल बहुत छोटी कंपनी है एज ए मार्केट कैप। जी हाँ फ्रेंड, जिसकी करंट प्राइस देखा जाए तो एट प्रेजेंट 481 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है कंपनी। 52 वीक हाई 570 रुपीज़ के अराउंड है। स्टॉक एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पर आपको दिखेगा, एज ए अगर पी को देखते हैं तो 111 टाइम्स इस कंपनी का पी देखने मिलता है इस स्टॉक का। बुक वैल्यू देख सकते हैं, 26.9 का बुक वैल्यू नज़र आता है। कंपनी का ROC देख सकते हैं, एंड ROE दोनों ही 16% पर है। कंपनी के ऊपर डेप्ट 351 करोड़ की डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी 1.15 का है। कंपनी के पास आप रिजर्व देखें तो 281 करोड़ का रिजर्व एट प्रेजेंट नज़र आ रहा है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 31.6% की सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 14.6% का है। सो फ्रेंड्स, आगे इस कंपनी के भी हम फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इनका ईयरली अगर हम देखें, लास्ट 5 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, तो देख सकते हैं पिछले कुछ 4-5 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंपनी की रेवेन्यू मार्च 2018 में 492 करोड़ की थी, जो लेटेस्ट फाइनेंशियल है 2022 तक 2000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी की रेवेन्यू जनरेट हुई है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33 करोड़ से 113 करोड़ तक जा पहुंचा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो देख सकते हैं 12 करोड़ से 45 करोड़ तक का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा। तो इन 5 सालों में कंपनी में बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों भी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे इनकी सेल्स ग्रोथ की बात करें, देख सकते हैं पिछले 3 सालों में इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 61% पर है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 55% का है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हैं, जो 17% का है लास्ट 3 ईयर्स में। और स्टॉक प्राइस के CAGR की बात करें तो देख सकते हैं मोर देन 50-60% से अबो का CAGR इस कंपनी का है लॉन्ग रन में, जो लास्ट 10 ईयर्स में 85% का है, लास्ट 5 ईयर्स में 55%, लास्ट 3 ईयर्स में 70% का बेहतरीन CAGR रहा है इस कंपनी का, एंड लास्ट 1 ईयर में फिलहाल 19% के पॉजिटिव रिटर्न देखने मिलते हैं। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी आप देखिए तो यहाँ भी FIs और DIs की बढ़िया हिस्सेदारी बनी हुई है इस कंपनी में। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी देख सकते हैं, मोर देन 60% से ज़्यादा की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। FIs और DIs दोनों 6% से ज़्यादा इसमें स्टेक बनाए हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हिंदुस्तान फूड्स ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप में बढ़िया कंपनी है, जिसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल सब कुछ अच्छे होते हुए भी कंपनी का रिटर्न भी बेहतरीन होते जा रहा है हर साल। और इस कंपनी में भी अगर आप इनके क्लाइंट लिस्ट में देखें तो कई दिग्गज FMCG सेगमेंट से कंपनियां इनमें जुड़ी हुई हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों क्लाइंट शामिल हैं, लाइक HUL, बाटा इंडिया, पेप्सिको, विप्रो, गोदरेज कंज्यूमर, US पोलो एटसेट्रा। तो इस तरह की कई कंपनियां इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी आपको भले नज़र आ रही है, लेकिन इसके स्टॉक प्राइस को देखा जाए तो वो स्प्लिट हुआ प्राइस है, जो कुछ समय पहले ये स्टॉक का प्राइस 2000 के अबो ट्रेड कर रहा था।
जी हाँ फ्रेंड्स, तो स्टॉक स्प्लिट हुआ है जिसके कारण ये 500 के बिलो आपको इस प्राइस पर मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनियां हैं जिनकी फाइनेंशियल और फंडामेंटल बढ़िया है, बिजनेस सेगमेंट में बढ़िया हैं, अच्छे क्लाइंट लिस्ट हैं इनके पास। जी हाँ फ्रेंड्स, तो लॉन्ग रन में ऐसी कंपनियों में आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके चलिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर हिट कर लीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।